इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सॉल्यूशन, फ्री डिमेट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23, गली नंबर 3, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92 88 60 66 66 8 44 9 9 4 2 0 1 1 4 3 0 3 8 0 9। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की नमो नमः। सब मुद्रा लोक में जितने भी साधु हैं उन्हें नमस्कार। उनका चमत्कार, उनकी साधना और उनके दृष्टि हम लोगों के लिए पूज्य है, श्रद्धा का विषय है। क्योंकि दुनिया में वैसे बहुत कुछ साधनाएं होती हैं, किंतु यह साधना हमें हमारा उत्कृष्ट जो साध्य है उसको प्रदान नहीं कर सकते, किंतु यह साधना हमें तात्कालिक अथवा कुछ समय के बाद अपना चमत्कार दिखा देते। आज उसी प्रकार के एक साधु का चित्रण यहाँ पर किया जाए। आज उस प्रकार के तपस्वियों का हमें साक्षात्कार, हमें दर्शन, हमारे आँख पवित्र नहीं हो पा रहे, फिर भी हम ये पुनाचित्तम दुष्कान दिने हे भगवान, आपका नाम स्मरण भी हमारे चिरकालीन उस कर्म श्रृंखला को नष्ट करने में, तोड़ने में सहायक। आपको इससे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान तुम भगवान, किंतु भगवान के पथ पर चलने वाले भी होनहार भगवान हमारे लिए आ रहा है। अब देखो, जंगल में एक सदा के ऊपर एक वृक्ष के नीचे विराजमान, जगत का ये स्वभाव हुआ संदेह, जगत का अवकाय का स्वरूप हमेशा हमेशा अपने ध्यान में लाने वाले साधु क्या कर रहे हैं? कुछ करना करना नहीं है, किंतु स्वरूप के चिंतन में और कोई आवश्यक नहीं है। ये खुली हुई किताब है, ग्रंथ है, यह जगत है, इसमें सभी कुछ जो पुराणों में है या शास्त्रों में है वह सब कुछ भरा हुआ है। ऐसे साधु तो शास्त्र को भी अपने पास नहीं रखते, किंतु इस शास्त्र का वाचन वो हमेशा करते रहते हैं। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु इसमें जो मुख्य रूप से दो ग्रह दिखते हैं उसका चित्रण मुख्य रूप से होता है। अब वो बैठे हैं, सोच रहे हैं, तो एक पांच
500 कुत्तों का समूह उनके पास आने की ओर है और धीरे धीरे नहीं वो दौड़ते हुए इनके ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में है। साधु जी देखते हैं, शांति के साथ बैठे हैं, वो उतने बीच में ही कीलित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उनका काम एक प्रकार से जिस उद्देश्य को लेकर के वो आए थे अथवा उन्हें यहाँ पर किसी ने भिजवाया था, वो भी आगे तीर्थंकर होने वाले हैं, उसको भी ध्यान में हम रखें। किंतु वो 500 कुत्ते जो कि उनको काटकर समाप्त करने वाले थे, पर रुक जिन्होंने भेजा था 500 को, वो सोचता है ये कोई मंत्र तंत्र करने वाले गारुड़िया है। गारुड़िया का अर्थ क्या होता है? बहुत पहुंचने वाले साधु जी गारुड़िया नहीं कहलाते हैं। गरुड़ मंत्र का एक प्रकार से जिन्हें लाभ हुआ है वो प्राप्त नहीं करते, प्राप्त हो जाता है, वे प्रयोग नहीं करते किंतु उसका प्रभाव देखने को उपलब्ध होता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 एक से एक सिंह के समान उनके जवाड़ वगैरह देखने को मिल रहे थे। दांत उसमें बहुत तीखे हैं किंतु वे अभी काम नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा भेजने वाले ने इसको इन लोगों ने कीलित किया है। उसी समय एक बीच में बड़ा सर्प आ गया, अब वो उनका रास्ता ही बंद हो गया। अपने पास धनुष और तीर दोनों थे, इसके माध्यम से उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया किंतु वह दूर नहीं हुआ, उसको भी घायल होकर के वहीं पर मृतक होना पड़ा। स्वयं जो कुछ मारने के लिए आया था वह भी प्रकारांतर से उससे दूर हो गया। सुन रहे हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि मनोयोग के साथ सुनो। नमो लोये सहु साहु नम का क्या प्रताप रहता है इससे देखने को मिलता है। तो उसी मृतक सर्प को उन्होंने महाराष्ट्र के गले में लटका दिया और चल गया। और उनके साथ साथ पीछे वे 500 भी चले गए क्योंकि उनको आगे आने के लिए बाधा थी, जाने के लिए कोई किसी प्रकार का बाधा नहीं थी। और जाकर के उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को बताया, हमने 7-8 दिन पूर्व में एक ऐसा दृश्य देखा और ऐसा ऐसा घटित हुआ। सुनते ही पत्नी ने कहा जुल्म हो गया, अपराध हो गया, पश्चाताप, आपने उसी दिन क्यों नहीं बताया? हमने सोचा ये बहुत जल्दी हमारे जाने से अपने आप ही निकल करके चले गए होंगे। नहीं नहीं,
वो ऐसे नहीं निकल सकते कि ये किया हमने, कहाँ है वो स्थान तो याद, हाँ ये है, स्थान तक पहुँच गए। उसने सोचा जाते समय श्रावक भी अपना बहुत बहुत उपयोग को उपयोग में लाता है, ये 7-8 दिन हो गए अवश्य ही वहाँ पर जीव जंतु उनको खा रहे होंगे। देखा शक्कर साथ के साथ ले आया था, कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह जो होते हैं शक्कर के कण से बहुत प्रेम रखते हैं और चारों ओर उसको शक्कर को बुरका दिया। बस 2-1 मिनट हुआ नहीं, कहाँ से सारी सारी चींटियाँ छोटी बड़ी लाल पीली सफेद आदि आदि सब आ गए और शक्कर को खाना प्रारंभ कर दिया। महाराज जी का वह शरीर उन चींटी वगैरह खाने से एक प्रकार से जर्जरित अथवा यूं कह दो छेददार हो गया था, छोटी छोटी छिद्र जो है उसमें उभर करके आ गए, आंखों में से पानी आ गया। किंतु क्या कर सकते, तीव्र कर्म के उदय में इस प्रकार होता है। लेकिन तीव्र कर्मों का उदय होते हुए भी 500 कुत्तों के लिए जवाब देने की हिम्मत उनके पास थी। वह अपने आप ही उस मंत्र के कारण दूर हो गए। विद्याएं मंत्र भी कभी कभी निहितता रहती है तो वह अपने आप काम कर जाती, कराएं ये कोई नियम नहीं रहता। और ऐसा ही हुआ, जब पूर्ण उपसर्ग दूर हो गया, नमोस्तु करने के लिए सामने बैठ गए, महाराज जी का ध्यान पूर्ण हो गया और भक्तों की ओर देख करके उनके नमोस्तु के बदले में सद्धर्म रुद्धिस्तु ये आशा यह आशीर्वाद मिला। तब पत्नी जो थी उन आपको कथा तो ज्ञान है, ज्ञात है, नाम भी शायद आप लोगों को ज्ञात होंगे, इसलिए नाम के बिना हम चल रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, आप लोगों का भी चल रहा है। हाँ मेरे महाराज, नाम तो हमारे पास भी है। अब पत्नी ने कुछ सोचा नहीं, लेकिन पति ने ये सोचा, अरे ये क्या बात है, जब सर्प मरे हुए सर्प को इनको गले में कुंडली के रूप में रख करके वहीं गया था, वो ज्यों का त्यों है, ये क्या, और आशीर्वाद सब दे। जब ध्यान के बाद ध्यान छोड़ दिया उस समय उनको संबोधित भी किया, तब पति को यानी श्रेणिक को ये रहा नहीं गया कि इस प्रकार की साधना के साथ भी भीतर से भी बाहर से भी भीतर से भी समता भर बस हो जाए, फिर तो अपना वैभव अपने आप ही भागता हुआ आएगा। स्वीकार करो स्वीकार करो ऐसा कहेगा, किंतु फिर भी उसको स्वीकार करने की चीज नहीं है। तो ये पूछा, यही एकमात्र साधना होती है। आज इस कथा को हम पढ़ते हैं, उसका लक्ष्यांश भी हम लोगों के जीवन में
वो साधना अभी नहीं आ पाए, किंतु इस कथा को मानने से इतना तो ज्ञान होता है दीर्घ संगन और चतुर्थ काल आदि भी अपने लिए कितने आवश्यक है ये ज्ञात हो जाता। यद्यपि वह अपने लिए दिशाबोध भी दे सकते हैं और दिशाबोध को समाप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि विषय और वासनाओं में जब संसारी प्राणी लीन हो जाता है तो इसका कोई मूल नहीं होता। फिर तो वह उस सब शक्ति का उपयोग नरक जाने के लिए ही हो जाता है। जब यह सुना समाधि वृद्धिस्त हो ऐसा धर्म वृद्धिस्त हो समान रूप से यह आशीर्वाद सुना, तब से उसको शुद्धान होना प्रारंभ हो गया। उसको जिस समय उसने सर्प को लटका दिया उस समय नरक बंद हो गया था। 33 सागर की आयु सप्तम पृथ्वी में हुआ करती है। उस आयु का कोई भी भंग नहीं होता, उसको तो उतना ही मिलता रहता है। निकाचित कर्म इसी को बोलते हैं, वज्र की लकीर है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तब ये ज्ञात हुआ वह 33 सागर की आयु भी, जब उनका वह श्रद्धान मजबूत होने लगा तब उसको प्राप्त हुआ। उसके फल स्वरूप जैसे जेलों में अच्छे कार्य यदि कर जाते हैं कैदी तो जेलर के माध्यम से उसके दंड को विभाजित कर देते हैं, कम कर देते हैं, जीवन पर्यंत भी यदि दंड हो उसको भी कम करते हुए उसको वहाँ से छुट्टी मिल सकती है। सुना? हाँ, कि यहाँ पर भी ये व्यवस्था है तो कर्मों के बारे में भी व्यवस्था दी गई। 33 सागर की आयु केवल 84,000 वर्ष ही मात्र रह गए, यूं कहना चाहिए समुद्र के सागर के सामने एक चुल्लू भर भी उसका महत्व नहीं है। इतना उसके पास शुद्धान को आप मजबूत बनाए, चारित्र को भूलिए नहीं, किंतु चारित्र में भी जो विकास होता है वह सम्यक दर्शन के विकास के साथ चलता है, अथवा सम्यक चारित्र के विकास के साथ सम्यक दर्शन का भी विकास होने लग जाता है। ये एक दूसरे के भाईचारा निभाते हैं, ये ऐसे हैं रत्नत्रय मिलकर के ही काम होता है, अकेले अकेले में मार्ग नहीं होता। इसलिए मार्ग पर चलना चाहते हो इन तीनों का जोड़ बना करके ही चलो। इस जीवन में ना हो किंतु अगले जीवन में तो हो सकता है, इस जीवन में अनुरोध के रूप में भी हम पालन कर सकते हैं अथवा श्रवण के रूप में भी पालन कर सकते हैं। हुआ ये, यह सब होने के उपरांत उसका दिनों दिन भीतरी परिणाम विशुद्ध होते चले जा रहे। इसके बाद उसका सम्यक दर्शन क्षायिक के रूप में परिवर्तित हुआ, और इतना ही नहीं उसके पास नरकाई के बंद के बाद भी यह व्यवस्था हो सकती है, और यह तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी उनको प्रारंभ हो जाता है।
क्या समझ रहे हो? हाँ, अगले जीवन में उसको तीर्थंकरत्व प्राप्त होगा, और आज उसके शुभ कारण भावनाओं का परिणाम देखने को उपलब्ध हो रहा है। यहाँ उस पत्नी के कारण उसके जीवन में आ गया। पत्नी यदि नहीं होती तो नहीं होता ये कार्य, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसकी जो दृष्टि थी, ऊपर से भले ही कुछ भी हो किंतु पशु के विकास के बारे में वो हमेशा हमेशा सोचती रहती है, क्योंकि फलानुभवन प्राय करके दोनों का एक साथ चलता है। यह बात अलग है, फिर भी अपने अपने भावों के अनुसार ही ये कार्य होता है। जब ये बात सामने आ गई तो अगले जीवन में जो तीर्थंकर होने वाला है, और वो भी भरत खंड में ही, जो कि ओम महापद के रूप से ख्यात होगा, और आप लोगों के लिए उस समय यदि आप भी रहेंगे तो समोसर में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। अब देख लो यहाँ पर जैसी व्यवस्था है, यह है काम चलाऊ है। वहाँ पर जो समोचन होता है वह ऐसा होता है, वह देखता ही रह जाता है। भगवान को कम, समोचन को भी कई लोग बहुत देर तक लगा करके देखते रहते हैं, क्योंकि यह समोचन हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता, और यह तीर्थंकर करते की ही महिमा है। और तीर्थंकर की मंद जो होता तीर्थंकर प्रकृति का, वह 16 कारण भावना मुख है, और 16 कारण भावना जगत कल्याण के बात को लेकर के प्रारंभ हो जाती। तीन लोक में जितने भी जीव हैं उन्हें ही इस प्रकार का रास्ता प्रशस्त हो, ये भावना हमेशा हमेशा बनाए रखना चाहिए। आपको मिले या न मिले, किंतु दूसरों को मिले, ये भावना रखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसकी भी दरिद्रता हम अपने में देखते हैं। ये भाव बहुत कम होते हैं। दूसरे के बारे में सोचना, अपने आत्मा को भूल जाना, ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्मा में रहना संभव नहीं होता। उस समय ज्ञात होता है, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वह तीन लोक के हित के बारे में सोचता है। तीर्थंकर समोचन में भी त्रिभुवन हिर विशद वक्कानुम कहा, कुंद कुंद देव ने यह वहाँ उनका उपदेश तीन भवन में रहने वाली जीव राशि के लिए है, विशद है और प्रत्यक्ष है, किंतु यह जगत कल्याण की बात होती है। कई लोग सोचते हैं अपने आत्मा के कल्याण की बात छोड़ करके भगवान ये क्या करने लगे, अब भगवान अपनी दुकान चला रहे हैं। भगवान अपनी दुकान चला रहे हैं, सबको अपनी अपनी दुकान चलाना चाहिए, चले तभी, नहीं समझे, चले तभी, क्योंकि उसमें भावना ये रहती है कि सब लोगों को यह माल मिले, सब लोगों को यह लाभ प्राप्त हो, सब लोगों का कल्याण प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना उनके हमेशा, इसको बोलते हैं दर्शन विशुद्धि। 16 भावनाओं में
कि ये है कि हर एक देखो छाई समुदृष्टि बहुत सारे रहते हैं, जो कोई भी मुक्त होगा उसके लिए छाया संवेदन अनिवार्य है, लेकिन छाया संवेदन प्राप्त होने के उपरांत दर्शन विशुद्ध तो होती होगी नहीं। यह 12 भावनाओं के अंतर्गत जो दर्शन विशुद्धि है यानी अर्थात 16 कारण भावनाओं में यह सम्यक दर्शन को नहीं बता रही, किंतु तो जगत कल्याण की बात भाव उसके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही उसकी उदारता है, यही उसका स्वरूप है, यही उसका चमत्कार करने वाला। बाहुबली को यह बंद नहीं हुआ, भरत चक्रवर्ती को एक अंतर्मुख में केवल ज्ञान होगा लेकिन उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि मुक्त हो चुका है। अब ये कह रहे हम मुक्त होने के उपरांत भी तीर्थंकर बनना चाहते, नहीं बन सकते, मौका जब मिला था बन जाते। प्रशासन में बार बार ऐसे सहूलियत नहीं दी जाती। इस प्रकार जब वह क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी नहीं होता किंतु क्षोभम सम्यक दृष्टि को भी वह प्राप्त हो सकता है। क्षोभम सम्यक दर्शन वह मनुष्य गति में भी वह होता तो है लेकिन वह तीर्थ प्रकृति के बंध के लिए भी कारण होता है। उसके पास इतनी शुद्धि नहीं रहती, शुद्धि यह अलग है, किंतु यह लोक कल्याण के जो भाव हैं हर एक व्यक्ति में नहीं आ सकता। ऋषभनाथ को हो गया, अब लक्ष्मण को भी होगा लेकिन राम को नहीं हो पाए, रावण को भी हो जाएगा, किंतु ये क्या है? ये है और कुछ नहीं, यहाँ पर घूसखोरी नहीं होती है। अब करके देख लो, पक्का है ये, मतलब आसान नहीं है। केवल पल के बारे में सोचना आचार्य परमेश्वर का स्वरूप या लक्षण उनका कर्तव्य बताया गया है सर्वार्थ सिद्धि में, परहित संपादनेक कार्यम आचार्य वर्यम प्राप्तवान। यह आप आचार्य वर्य के सामने एक भव्य जीव आया है और ऐसे आचार्य को नमस्कार किया जिनका स्वरूप पर के हित करने में ही लगा हुआ है रात और दिन। समझे आचार्य परमेश्वर कैसे आत्मा में तो लीन होने से हाओ हो गए, तो आत्मा में लीन होने से ही ये काम होता ऐसा नहीं, किंतु ये ऐसा ही उनका कार्य है, दूसरे के हित के बारे में ही हमेशा हमेशा तत्पर रहना, ये उनका कार्य है, स्वरूप है। कमी तो हो सकती है लेकिन और कोई कमी नहीं। इसके साथ उनके 28 आदि मूल गुण सब पलते रहते हैं, वह मुख्य नहीं है, किंतु जब एक विषय को ही मुख्यता दी जाती है और वह विषय ऐसा है कि वह तीन लोक को भी क्षुब्ध कर सकता है। ऐसे ही लिखा है सर्वार्थ सिद्धिकार ने, तीन लोक में क्षोभ पैदा हो जाए, जैसे समुद्र में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता लेकिन ज्वार भाटा तो आते ही रहते हैं, नीचे का जल ऊपर और ऊपर का जल नीचे, ये होता ही रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता। फिर भी वह अपने तट का उल्लंघन नहीं करता है सागर। उसी प्रकार दूसरे के हित के बारे में तो सोचते हैं, ये सोचने का कार्य वे बंद नहीं करते जब तक उनका वह पद रहता है।
बहुत कठिन है मत। कुछ भी हो लेकिन परहित के बारे में, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और पास आना चाहते हैं, लेकिन ये एक व्यवस्था है तो हम क्या कर सकते हैं, एक व्यवस्था है तो हम क्या कर सकते हैं, बस वहीं पर बैठे। समूह चरण में भी ऐसा ही होता है, हाँ समूह चरण में भी ऐसा ही होता है। गवर्नर परमेश्वर को भी पैर छूने के लिए है, नहीं मिलता जीवन में। गवर्नर परमेश्वर इंद्रभूति है कैसे भी हो, लेकिन महावीर भगवान के चरण स्पर्श नहीं किया, रहेंगे चरणों में लेकिन छू नहीं सकते। यहां पर मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, मी फुड़ा, मी फुड़ा, मी फुड़ा। फुड़ारी होनी फुड़ारी समझता, फुड़ारी फुड़ारी नेता होता है, हाँ तो हो करके आते हैं, लेकिन व्यवस्था है तो हम क्या कर सकते। कुलाड़ी नहीं, फुड़ारी, फुड़ारी मुख्य नेता के समान होता है, लेकिन यहाँ पर आने के उपरांत, लेकिन सबको संतोष होता है। बताओ सही है क्या नहीं है? दूर से आए थे लेकिन प्रश्न तो कम से कम मिल गया। कई लोगों की यह भविष्यवाणी थी वहां पर जाओ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को रविवार के दिवस को लेकर के आए हो, पास से दर्शन कर रहे हो क्या नहीं? हाँ और सबको लोगों को है ना, हम बहुत पास से नमस्तु करके आए हैं। ये बात अलग है, चरण स्पर्श नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? हमेशा हमेशा मैं सोचता हूँ ये लोग चरण स्पर्श किए बिना जाते नहीं। हाथ से नहीं स्पर्श हो किंतु आंखों से तो होता ही, बात तो एक ही है, एक है क्या नहीं? बिल्कुल, हाथ लाऊ नका सब जगह लिखा हुआ रहता है, और हमारे यहां इस प्रकार लिख दे तो क्या अन्योग थे बता। किंतु सब लोगों के लिए सृष्टि ना क्या कहते, हाँ बिल्कुल पद्धति क्यों होते, पद्धति का अर्थ होता है पद्धति के अनुसार करो, रास्ते के अनुसार करो, जितना कहा है उतना ही करो, नहीं तो बहुत सारे लोग आकर के वहां पर सौधर मिंद्र जैसा है जो एक प्रकार से जम्बू द्वीप को ही हिलाने की क्षमता रखता है, इसलिए समोसे में कोई भूलता ही नहीं शांति के साथ। कोई लोग कहते महाराज भूलने में तो और गड़बड़ हो जाते, बस देखते रहो, भूलू न का शांत रहा, किंतु भूलू न का कहने का अर्थ है बगू न का, देखते रहो, देखते रहो और आनंद का अनुभव करते रहो, करते रहो, इसमें कोई भी विघ्न नहीं आता। फिर भी यदि विघ्न आता है तो हम लोगों के द्वारा किया हुआ कर्म है, अंतराय के कारण ऐसा होता है, इसलिए संतोष धारण करके वहाँ लोग एक साथ सबका लाभ लिया करते हैं। 8 वर्ष के अंतर बेटित हुआने ऐसे भी मनोज्ञ महाराज मिलते हैं तो देखने के लिए कई लोगों का आकर्षण का केंद्र
वही मनोज महाराज ही होते। तीर्थंकरों के लिए भी होता तो है, लेकिन 8 वर्ष अंतर हम उसमें महाराज कैसे? अरे महाराज ही नहीं है, उनके पास सब रिद्धियां भी है। नमो अरहंतारम कहा नहीं और आकाश मार्ग से उड़ गए। वो कौन? मनोज्ञ महाराज। बालक के समान रहते हैं, नासा दृष्टि रखते हैं, आप लोगों से बोलते नहीं। अब बोलो महाराज हमसे एक नाराज है। कई लोग पूछते हैं किसी भी प्रकार से महाराज बोल तो ले, हम क्यों बोलेंगे भाई? हाँ? बोलने के नियम है क्या? आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन आशीर्वाद में एक साथ अब 1000 नमस्ते नमस्ते कहेंगे तो यूं करते ले इधर हो जाएगा, यूं करने से इधर हो जाएगा। आप लोग भी सामूहिक नमस्तु भेजते क्या नहीं? महाराज उनको कह देना सबका पृथक पृथक रूप से नमस्कार स्वीकार हो। तो हम भी कहते मेरा सबके लिए पृथक पृथक रूप से आशीर्वाद। जैसा प्रश्न किया था वैसे उत्तर दिया जाएगा। हमारे लिए स्पेशल, देखो तुम्हारे लिए स्पेशल तो कोई यहाँ स्पेशल कुछ है ही नहीं। हमारे तो यहाँ तो एक प्रकार से एक ही टिकट चलता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, सबके लिए एक ही आशीर्वाद, चाहे सैनिक हो चाहे चेलना हो। चेलना सोती होगी हमारे लिए कुछ नमस्ते जैसे करने के उपरांत अच्छा आशीर्वाद। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे लिए अच्छा आशीर्वाद दे दो। अब हम क्या कहें? सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हाँ ये सुनो, ये कम से कम काम में आने वाले हैं भैया, आपके लिए अलग नमस्कार। देखो अच्छा आशीर्वाद दे दो कहेंगे तो हम कहेंगे भैया अच्छा नमस्कार करो, नमस्ते अच्छा भेजोगे तो बिना कहे आशीर्वाद भी अच्छा ही। आमच्याकडे बघून तरी घ्या ना महाराज म्हणतात का नाही? अरे छोडते नाही हे लोग, हमारी ओर महाराज थोडं देखा तो करो। देखो सबके सामने मैं बैठा हूँ, सबको देख रहा हूँ, सभा खचाखच भरी हुई है और रविवार का प्रवचन चल रहा है। हमें आचार्यों ने कहा इन लोगों को सुनाओ ये नहीं, स्वयं को भी प्रवचन सुनाओ। क्योंकि अपने लिए भी सुनाना अनिवार्य है, शब्द किस ढंग से निकल रहे हैं, इनके उच्चारण के साथ ठीक है क्या नहीं, यह देखना भी सावधानी का काम है। इसलिए वो श्रावक और वक्ता इन दोनों के लिए हुआ करता है। इस प्रकार हमें यह सोचना चाहिए कि समोशरण में बैठे हैं और मुनियों की सभा में केवली भी है, मनपर ज्ञानी भी है, अवधि ज्ञानी भी है, और मति ज्ञानी स्वतज्ञानी केवली भी है, सब कुछ बैठे हैं, किंतु सब लोग मुनियों की कोठी में विराजमान हैं। क्यों? केवल ज्ञान होने के उपरांत क्यों वहां पर बैठे हैं? अरे भाई समुचर की शोभा तभी है। अकेले तीर्थंकर महाराज से नहीं, किंतु समुचर की शोभा
पूरे पूरे श्रावक श्राविका और मुनि आर्यिका, ये जो चतुर्संग है इसके साथ माने गए, ये समोसरण का संग है। हाँ, ये सभी देवी देवता सब गतियों के जीव नारकी नहीं बनते हैं, किंतु त्रियंश भी अपने कोठी में बैठे रहते हैं। क्या महिमा है समोसन को देखने से, मनुष्य यदि है देव नहीं है तो संभव है तीर्थंगत प्रकृति का उसको भी बंद हो सकता, और होता है मुनि बनने के बाद भी तीर्थंगत प्रकृति का बंद हो सकता है, होता है। ऐसा यह समोसन जब हमें मिलेगा, आप लोग और कोई भी निदान मत करियो, हमें उसका पूर्ण नाम यदि लेना है तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे तो घन रसाम क्षय। नंदीजन भक्ति में आता है घन रसाम का अर्थ घातिया कर्मों का नाश करने के लिए मैं ये स्तुति लिख रहा हूं और कर रहा हूं। उसी प्रकार मैं भी ये कहता हूं, यह उपदेश मैं स्वयं के लिए भी दे रहा हूं और दूसरे के लिए भी दे रहा हूं। मेरे भी घाटी कर्म क्षय को प्राप्त हो भगवान, और पंचम चारित्र लाभाय। पांचवा चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र है, जिसके द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, हो सकती है। ग्यारहवें गुण स्थान में यदि है तो नहीं होगी, बारहवें गुण स्थान में यदि है तो अवश्य उसको केवल ज्ञान का लाभ मिलेगा। इसलिए हमें उच्च पद के बारे में सोचना चाहिए, संसार के विषय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक शाम गरीब से गरीबी व्यक्ति है, बाहर से है किंतु भीतर से उसके पास भी वही वैभव विद्यमान है जो सबके पास है। इस प्रकार समता के साथ चलने वाला यह मोक्ष मार्ग समता के धनी और समता के बहुत उत्कृष्ट साधना करने वाले तीर्थंकर होते हैं, और तीर्थंकर कभी छद्मस्त अवस्था में बोलते नहीं। सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि भूलते क्यों नहीं है, साध्य को हमने अभी सिद्ध नहीं किया तो आपसे क्या बोले। इसलिए बोलने की इच्छा नहीं करते हुए मौन साधना उनकी हजारों वर्ष तक चली, विश्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की 12 साल। हाँ, वो कोई किसी से बोले नहीं। सोचो विचार करो, माता पिताओं से भी नहीं। कौन माता कौन पिता, ये तो घर जब तक है तब तक के लिए है। अगले जीवन में जो होने वाले थे अब तो रुक गए, किंतु पिछले जीवन में जो होते हैं वो उनका केवल ज्ञान में झलकना हो रहा है। ये सब व्यवहार नहीं के विषय है। साधना के क्षेत्र में निश्चय का विषय प्रौढ़ होता है और मुख्य होता है। इसलिए ये विचार नहीं करो, हर समय अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रख करके, कर्मों के उपाय के बारे में विश्वास करना यह श्रावकों का भी कर्तव्य है, क्योंकि उनका भी अप्रत्याख्या अनावरणी कर्म का क्षेत्रक्षम हो चुका है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान का क्षेत्रक्षम होने से मुनियों के पास भी यही रहता, विपाक विषय धर्म ज्ञान करने में ये दोनों श्रावक श्राविका मुनि ये सारे के सारे रात दिन लगे हुए रहते हैं। फिर भी इसमें यह तारतम्य क्षेत्रक्षम के कारण होता है। यह सब बातें सैनिक राजा ने भी
60,000 प्रश्नों के साथ किए हैं, दिए हैं, लाभ हुआ है। सैनिक राजा एक प्रकार से वो महापद्म बनने वाले, किंतु अभी क्योंकि पाप उन्होंने किया था उसका दंड अवश्य मिल रहा है, किंतु तेजी सागर के स्थान पर केवल 84,000। इसके बाद वे अब किसी भी प्रकार से जन्म जरा और मृत्यु से ग्रसित नहीं होते। हमें चाहिए द्वानादिकाल से कारमण शरीर तेजस शरीर अपने पीछे लगे हुए हैं, उनका क्षय कब हो, उनका क्षय, उनका दग्ध होना सांसारिक किसी अग्नि इत्यादि के द्वारा नहीं संभव है। अपने परिणाम के द्वारा बंधे हैं, विचरा परिणाम के द्वारा उनका उपसंहार होने वाला है। एक बार उनका उपसंहार हुआ नहीं, दूसरे क्षण में संसार रहेगा ही नहीं। ऐसी साधना को हम अपने विषय बनाओ इस भव में नहीं सही, किंतु अगले भव में तो भगवान आपके सानिध्य में ये सब कुछ हो। इसलिए ये ध्यान रखो, कुछ ऐसे पद भी हैं जो अच्छे अच्छे मुनि महाराज साधक को उपलब्ध नहीं होते, समूह शरण में बैठे रहते हैं लेकिन उनको उपलब्ध नहीं होते। कौन किसको परिहार विशुद्धि संयम हरेक मुनि महाराज को प्राप्त नहीं होता, वह तो केवल साक्षात तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके ही प्रत्याज्ञान नाम का जो पूर्व है उसका अध्ययन किया जाता है। धन्य है वे मुनि महाराज भी जिनके पास परिहार विशुद्ध संयम प्राप्त होता है। एक जीव को भी तद्वस्त अवस्था में उनके माध्यम से बाधा प्राप्त नहीं होते। ऐसी चर्या के धनी चिरूप स्थापना चारित्र के धनी वो समूह शरण में भी आपको उपलब्ध होंगे। किंतु ये ध्यान रखना, अब आगे के लिए समूह शरण में किसी को भी चरण स्पर्श करने के लिए हमारा हाथ दिख रहा है क्या? नहीं आओ आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, किंतु ये नहीं 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 क्या नहीं है तो चरण स्पर्श करने से आज्ञा नहीं है, नहीं छू सकते। ये छूने की चीज नहीं, फिर भी उनके दिव्य ध्वनि का स्पर्श हमारे भीतर तक होता रहता है। भगवान स्वयं अपने मुख से यह वाणी छोड़ते हैं और आपको वह वाणी स्पर्श कर जाती है और लीन हो जाती है। हमने दो बार तो आपको स्पर्श करवाया, चरण स्पर्श भी हुआ लेकिन आंखों के द्वारा। आंखें बंद करके चरण स्पर्श करो आनंद नहीं आएगा, और आंखों से देख करके चरण स्पर्श करो तो स्पर्श तो हो गया। महिलाएं कहते हैं हमें स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं, क्यों नहीं है? चरणों को देखते रहो, कैसे देखिए महाराज, पास से तो मिलता नहीं। जब आहार हो जाता है एक आध घंटे तक, यही आप कार्य करो तो आपको कौन रोक सकता है? बस देखते रहे चरणों को, स्पर्श नहीं हुआ है बिल्कुल, थक जाओगे आप लोग। हाँ, अब एक घंटे से आप लोग अनिमेष सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसके लिए कोई किसने मना किया? कितना लाभ हो गया होगा? है तो महाराज, लेकिन फिर भी हम इसको समझते ही घटिया।
इसको घटिया बोल रहे हो? नहीं, इससे बढ़िया और भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपनी दृष्टि को मान करके आया करो, अपने दिमाग को थोड़े से अच्छे, क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश, अपने मस्तिष्क को थोड़े से अच्छे ढंग से धोधा करके आया करो और पवित्र मन से सोचा करो। अब देखो, सब कुछ ही नहीं होता, लेकिन आपका मन क्या भगवान को छू नहीं रहा? बोलो, छू रहा है? तो ऐसे क्यों धीरे से बोल रहे हो? भोजन नहीं किया आज? बोलो फिर अच्छे ढंग से। नहीं महाराज, भगवान का भी वह सब कुछ है। अभी समय हो गया है, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। अगले रविवार जब आएगा उस समय देख लेंगे। यह प्रवचन बहुत लंबा भी दिया जा सकता है, किंतु हमें कहा गया है ज्यादा लंबा नहीं खींचना, क्योंकि श्रावकों के लीवर की जो सिस्टम है वह बहुत कमजोर है। इसलिए ज्यादा खिलाओगे तो पचेगा नहीं। इसलिए हम लोगों के ऊपर दया करके यहीं पर वक्तव्य को पूर्ण कर रहा हूँ। आंखों के द्वारा स्पर्श और मन के द्वारा भी स्पर्श, ये पक्का है। और कान जो है ना, आंख के वचन को, भगवान के वचन को सुन रहे हैं। अद्मी क्षण से गात से, हे भगवान, आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, हमारे कान भी, क्योंकि कानों में तो रेडियो बजती रहती है, हाँ, मोबाइल का जमान, उसमें भी रेडियो रहता, बताते हैं। तो अब क्या कहेंगे? लेकिन भगवान की वाणी के द्वारा हमारे कान पवित्र हो रहे हैं, हाँ, बहरे होकर के मत सुनो, हाँ, मनोयोग से सुनो। ये कितनी अच्छी घड़ी है अमृत के। और इसी प्रकार जो कहता हूँ, जब स्वाध्याय करते हैं अकलंग देव के वचनों को, एक बार अपने मुख से उच्चैर तो कर लीजिए, दोबारा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमें चाहिए, तो आज भी तीर्थंकर साक्षात समोचरण में विराजमान है, उनकी ध्वनि भी यहाँ तक आ रही होगी, लेकिन हमारे पास वह यंत्र नहीं है जो उसको पकड़ सके। हमें छू छू करके जा रहे हैं वो तरंगे, उनके शब्दावली यहाँ तक आकर के छू करके जाती है, किंतु हमें वह पकड़ में नहीं आते हैं। ऐसा यहाँ अपूर्व दृश्य है समोचरण का। वह मुनि महाराज जो कि तीर्थंकर होने वाले ऐसे श्रीजी के राजा को भी आशीर्वाद धर्म वृद्धि रस्तु के रूप में दिया, दोनों दाम्पत्य जीवन को जीने वाले आगे के लिए भी इनका तीर्थ का चलाना जीवन आएगा, और छेलना कहाँ पर जाती है पता नहीं, क्योंकि वह उसने ऐसा काम किया है जो दूसरे के जीवन में घटित नहीं हो सकता। ऐसे उदार मना वह मुनि महाराज भी बनेंगे और अवश्य ही इस भवतार को तैरेंगे अथवा पार हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सॉल्यूशन, फ्री डिमेट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन इत्यादि। ऑफिस एड्रेस
A23, गली नंबर 3, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92, 88606-66844-9990-11942-011-430-3809.